दोस्तों, स्टिक वाली कुल्फी है मलाई कुल्फी। इसकी रेसिपी आपने बहुत देखी होगी, लेकिन मैंने इस रेसिपी में ध्यान दिया है कि आपकी जो कुल्फी घर पे बने वो एकदम बाजार जैसी बने। वही क्वालिटी, वही टेक्सचर, वही टेस्ट, वो भी घर पे। आप इस रेसिपी को ध्यान से देखना, आपकी कुल्फी बहुत बढ़िया बनेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, कुल्फी बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है वो ऑब्वियसली दूध है, लेकिन दूध को अगर आप हो सके तो एल्यूमिनियम या लोहे की कढ़ाई में ही उबालना। बेसिकली उससे दूध थोड़ा सा भारी हो जाता है, जो उसका टेक्सचर आता है थोड़ा सा बेटर आता है। जो आपको मिले आप उसमें ही करना। यहाँ पर लॉकडाउन है और घर पे मेरे लोहे की कढ़ाई नहीं है, मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है। और दूध मैंने लिया है, पैकेट वाला दूध ही लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है, लेकिन मैंने 2 लीटर लिया है। आप चाहो तो 1 लीटर से भी बना सकते हो, 1.5 लीटर से भी बना सकते हो, जितने आपके घर में लोग हों उस हिसाब से आप बनाना। बस आप यहाँ पर बेसिक चीजें समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको दूध को अच्छे से काढ़ना है, और जितनी भी मलाई हो दूध में, जो भी मलाई आती है वो आपने बार बार दूध में फिर से मिलानी है। ऐसा नहीं कि ऊपर सेट होने देनी है। दूध को अच्छे से आपने स्टर करते रहना है। अब दोस्तों, कुल्फी बनाने में यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। थोड़ी सी जो मेहनत का काम है कुल्फी बनाने में वो यही है। हाँ, इसमें आधा घंटा जरूर लग जाएगा करने में, लेकिन जो आपको रिजल्ट्स मिलेगा वो सच में सुपर अमेजिंग होगा। ये जो आपको साइड में मलाई जमते हुए दिख रही है ना कढ़ाई के, ये भी आपको दूध के साथ ही मिलानी है बार बार। ऐसा ना हो कि साइड में चिपकी भी रह जाए। आप इसको मिलाते रहना और दूध को काढ़ते रहना। लगभग 20 मिनट्स मेरे को लगे थे दूध को 50% रिड्यूस करने में। आप खुद ही देख सकते हो पहले दूध कितना था और अब दूध कितना है। 20 मिनट्स लग गए थे मेरे को दूध को 50% रिड्यूस करने में। लेकिन अगर आपको बढ़िया मलाईदार कुल्फी चाहिए तो आपको 50% नहीं, आपको 1/3 पे करना है। तो जब आप इस स्टेज पे आ जाओ कि 50% तक दूध कड़ जाए, फिर आप यहाँ पर चीनी डालना। और चीनी कितनी डाली है मैंने यहाँ पर, चीनी 2 लीटर के हिसाब से मैंने आधा कप चीनी डाली है। आधा कप बिल्कुल काफी है इतने दूध के हिसाब से। लेकिन अगर आपको तेज मीठी पसंद है, मतलब तेज मीठा होना चाहिए बिल्कुल जैसे बाजारों में होता है, तो आप यहाँ पर 3/4 कप भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में आधा कप बिल्कुल इनफ होगा, उतना ही अब रखें। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर बादाम भी इसी टाइम पर डाले हैं, जानबूझ के चीनी और बादाम डाले हैं इस टाइम पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीनी भी दूध के साथ थोड़ी पक जाए और बादाम जो है वो हल्के से खड़े हो, हल्के से नरम हो, उनका टेक्सचर मैच कर जाए कुल्फी के साथ, ये मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस टाइम पर डाला है। तो अब आपको दूध को अभी भी काढ़ना है। मैंने आपको बोला था ना 1/3 की स्टेज तक लेके जाना है, इतना आपने दूध को काढ़ना है। और इतना होने में आपको आधे घंटे बहुत आराम से लग जाएंगे। थोड़ा ध्यान देना इस बात का, और आपको बार बार स्टर भी करना पड़ेगा। आप देखो इतना स्टर करने के बावजूद भी साइड में मलाई चिपकी हुई है, ऐसे ही होता है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जानबूझ के गैस को बंद कर दिया है, ये दिखाने के लिए कि मैंने कितना दूध को काढ़ा है, किस स्टेज तक काढ़ा है। आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हो बिफोर और आफ्टर से। इस स्टेज तक आपको पकाना है दूध को। अब आपने यहाँ पर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना है, वो है थोड़े से पानी में, बहुत थोड़े से पानी में आपने 1.5 बड़े चम्मच आपने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डालना है। 1 चम्मच से भी काम हो जाएगा, लेकिन कॉर्नफ्लावर डालने से पहले ध्यान देना कि आपको दूध को उबालना है फिर से। वो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए गैस को बंद करके रखा था, वैसे आपको उबलते हुए दूध में ही डालना है कॉर्नफ्लावर। और जो पानी है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। जब आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर के कॉर्नफ्लावर को डालोगे गरम गरम दूध में, तो ही उसके स्टार्च फूलेंगे और वो उसको गाढ़ा करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाना, एक बढ़िया सा बॉईल आने देना, मतलब लावा फट रहा है ना बिल्कुल वैसा बॉईल आ जाएगा, ये देखो ऐसा। तो इस स्टेज तक आपको पकाना है ताकि जो कॉर्न स्टार्च है वो भी अच्छे से पक जाए, और फिर आप गैस को बंद कर देना और इस रबड़ी को ठंडा होने देना, रूम टेम्परेचर पर आने देना कुछ भी करने से पहले। जब तक रूम टेम्परेचर पर नहीं आता तब तक इसे बात मत करना। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो ये देखो, नहीं नहीं इतनी दूर से नहीं, थोड़ा पास आके आपको देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखो आप, ऐसी हो जाएगी आपकी रबड़ी। ये है आपकी मलाईदार कुल्फी का मिक्स। आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जमाने का। अब ऐसा नहीं कि इसको कुल्फी बोल में डालो और सीधा फ्रीजर में रख दिया। अगर आप ऐसे जमाओगे तो आपकी कुल्फी में आइस क्रिस्टल जरूर आएंगे और वो टेक्सचर तो भूल ही जाओ, नहीं आएगा। तो हमें कुछ देसी जुगाड़ करना होगा, या एक्चुअल में साइंटिफिक जुगाड़ है। सिंपल सी चीज है कि अगर आप बर्फ में नमक डालते हो, बर्फ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, यानी कि बर्फ और ठंडी हो जाती है। और जब आप स्टिक वाली कुल्फी खरीदते हो तो एक्चुअल में वो ऐसे ही कुल्फियों को जमाते हैं।
एक देसी जुगाड़ बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा जग लिया है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर स्टिक वाली कुल्फी बना रहा हूँ। आप चाहो तो आप नॉर्मल कुल्फी वाले मोल्ड्स भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप पेपर कप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब चीजें आपके ऊपर है। मैं तो बिल्कुल बाजार जैसे बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कुल्फी वाली स्टिक्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन इनको फास्ट फ्रीज करने के लिए जग में मैंने सबसे पहले इसको रैप कर लिया है। रैप करना बहुत जरूरी है कपड़े से, ताकि जो ठंड हम जनरेट करेंगे वो रिटेन होकर रहे। रबर बैंड से मैंने अच्छे से बांध दिया है, और रैप करने के बाद आपने इसमें बर्फ डालनी है। हाँ, लेकिन बर्फ सारी पीस के डालना, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बर्फ के क्यूब्स डाल दिए। मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेना और फिर डालना। थोड़ी सी एक लेयर बर्फ की डालनी है, फिर आप नमक डालना। नमक डालने से एक साइंटिफिक रिएक्शन होता है, जिससे कि बर्फ का टेम्परेचर और भी लोअर हो जाता है और वो और भी ठंडी हो जाती है। जैसे कि अगर -10 degrees था, तो बर्फ डालने से वो -20 degrees तक पहुंच जाएगा, इतना फर्क आ जाता है। ये आप डालना नमक, और फिर बर्फ थोड़ी सी और डालना, और फिर थोड़ा सा नमक और डालना, और फिर अब आप यहाँ पर डालना हमारी कुल्फी के स्टिक्स। ऐसे जब हम इसमें रबड़ी डालेंगे ना, तो वो एकदम से जमनी शुरू होगी, जिस वजह से आइस क्रिस्टल्स आएंगे ही नहीं। यही बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। ऊपर तक बर्फ को भर लेना आप, और बस धीरे धीरे करके आपने मोल्ड्स में हमारी रबड़ी को डालना है एक करके, और आप यहाँ पर कुल्फी की स्टिक्स डाल देना। आप यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स भी डाल सकते हो, जैसे आप बनाना चाहते हो आप वैसे डाल सकते हो। बेसिक्स तो आप समझ ही गए हो। एक्चुअल में तो ये 15-20 minutes में जम जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो जो हमने बर्फ में नमक डाला है उससे बहुत जल्दी जमने लग जाती है। लेकिन इसको थोड़ा सा हार्ड सेट करने के लिए, एकदम सेटिंग में लाने के लिए, मिनिमम 5-6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना। इससे एकदम हार्ड सेट हो जाएगी, और फिर जब आप फ्रीजर से निकालोगे ना, फिर आप देखना। बस आपने पानी में थोड़ा सा डिप करना है, मैं तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ। पानी में आपने डिप करना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी है, और अब आप ये देखो, आराम से इसको बाहर निकालना और ऐसी कुल्फी आपको मिलेगी दोस्तों। है ना बहुत बढ़िया, एकदम मलाईदार कुल्फी। आप एक और देखो, बहुत आराम से बाहर आ जाती है। और मेन बात पता क्या है, टेक्सचर। आप टेक्सचर देखो कि कुल्फी में आइस क्रिस्टल्स या हार्डनेस नहीं है। एकदम हार्ड सेट होने के बावजूद कुल्फी अंदर से सॉफ्टनेस में है, और यही तो बढ़िया बात लगती है दोस्तों। अब ये देखो, मैं इसको काट के भी आपको दिखाऊं, क्या मलाई की तरीके से कट रही है। मलाई वाली कुल्फी तो है। अब दोस्तों इसको बना कर देखना, लॉकडाउन में आप घर में इसको एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों मेरा तो आपको यही कहना कि आप घर के बाहर मत जाना, ऐसे ही घर में बढ़िया बढ़िया चीजें एंजॉय करना और घर पर ही रहना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।